अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं खरीदा फारूकी और मैं हूं मंसूर अली खान। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म की सुप्रीम कोर्ट में पेशी और सेनेट इंतखाबात, ताजा सियासी सूरतेहाल पर गौर के लिए हुकूमत के बड़े आज बैठेंगे। ऐवान-ए-सदर में इत्तेहादी जमातों और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पीपल्स पार्टी के इजलास होंगे। कराची के बाग़े क़ाइद में दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का जलसा, शरीक जमातों के रहनुमाओं के खिताबात जारी। शुमाली इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू, मलका कौसार मरी में सयाहों का रश, कोयटा में जालाबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में मकतूल डीएसपी नवाज रांझा का 13 साला बेटा अगवा के बाद कत्ल, अगवा करने वाले गिरफ्तार, लाश भी मिल गई। गुजरांवाला में कटी पतंग लूटने के इल्जाम में रात भर जेल में बंद 13 साला अरसलान रिहा, पतंग को हाथ लगाने से भी तौबा कर ली। डोर को कभी हाथ नहीं लगाना, पतंग उठाओ मर्जी का सारी जेब पतंग उठा हाथ लगाए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चिटागोंग की टीम खुलना के मध्य मुकाबले, अगला मुकाबला सिलहट और ढाका का होगा। सब मैच देखें बराह रास्त जियो सुपर पर। चिली में हुई टमाटरों से जंग, और एक रैली के दौरान जीप रास्ते में खड़े कैमरामैन पे चढ़ गई, मुर्जाना तौर पे सब बच गए।